वाह, सुबह सुबह आसमान भी कितना खूबसूरत लगता है ना, ऊपर से भी बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी नीचे जाके इसका लाइट्स ऑफ करना है और आसमान उतना ही खूबसूरत, मतलब आसमान और जमीन दोनों ही माइंड ब्लोइंग। पर चाहे मॉर्निंग हो या नाइट, स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट, ये है सबसे मुद्दे की बात। मेरे लिए ये दो टाइम में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी काम है वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अपना खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुद के ऊपर, वो भी मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। वो है मेरा टाइम टू टाइम स्किन केयर रूटीन, जो मैं थोड़ा सा भी भूल से भी एक दिन के लिए भी स्किप नहीं करती। दिन भर यूवी एक्सपोजर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन सब चीजों के कारण स्किन बहुत डल और डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और जबकि मैं एवरीडे जॉगिंग करती हूँ, और जो लोग मेरी तरह जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका स्किन और भी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो वाटर और प्रॉपर स्किन केयर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्किन अगर एक बार डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है स्किन। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आपके स्किन को मॉइस्चर बूस्ट करेगा, जिसके कारण आपकी स्किन रिप्लम्प होगा, रिंकल्स फाइन लाइंस रिमूव होगा और ब्राइट दिखेगा, पहले से भी ब्राइट। जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हिमालया नेचुरल ग्लो रोज फेस सीरम, जो कि मेरा करंट फेवरेट है और मुझे इसे चूज करने के पीछे कई सारे रीजन है। ये सीरम में है 5% नियासिनामाइड एंड 5% रोज एक्सट्रैक्ट टू गेट द बेस्ट नेचुरल एंजाइम्स। ये हमारे स्किन का बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि ये ओनली 1 वीक में स्किन को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, और तो और ये हमें एक विजिबल प्लम्पर, सॉफ्टर एंड स्मूदर स्किन भी देती है। और इसे यूज करना तो बहुत ही आसान है, जस्ट अप्लाई 2 to 3 ड्रॉप सीरम your face neck twice a day, then massage in upper circular motion gently till the serum gets absorbed. Main ise use karne ke baad difference really feel kar pa rahi hu. और सीरम को जब भी दिन में यूज करेंगे तो उसके बाद एक अच्छा सा सनस्क्रीन जरूर यूज करना, ताकि ये सीरम को स्किन के साथ लॉक कर पाए और आपके स्किन को यूवी रे से भी प्रोटेक्ट कर पाए। तो चलिए, मेरा तो स्किन केयर हो चुका है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट काम में। और मेरा स्किन तो अभी पूरे दिन भर सब कुछ झेलने के लिए रेडी है, और ये जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो यूज कर लीजिएगा, आप देखना आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि दिस सीरम इज सुपर लाइट, तो चिपचिपी स्किन का भी डर नहीं है। और इसके अलावा भी ये प्रोडक्ट अमेजन, नाइका और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, तो वहां पे जाके भी आप इसे परचेस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब? हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप। ये जो आप नोआ देख रहे हो ये मेरे शादी के रंग का, अभी ये टूट भी चुका है, चारों तरफ से जो गोल्ड है ना वो निकलना शुरू हो चुका है, बहुत पहले का है ये। सो अभी अगर पहनती हूँ तो स्क्रैच लग जाता है या तो कपड़े खराब हो जाता है। तो आज हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप, इसमें कितना गोल्ड है ना ही मुझे पता है ना ही मिथुन को पता है, तो हम क्या करेंगे इसे तोड़ के, मतलब इसे एक्सचेंज करेंगे। इसके साथ और कितना गोल्ड की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आरआई पैच का अभी ब्रेसलेट टाइप्स नोआ बनाना चाहती हूँ, और उसमें कितना इस ये देने के बाद भी और कितना लगेगा ये पता नहीं है, तो आज इसे तुड़वा के इसे वेट करना पड़ेगा कि कितना है, उसके बाद उसके साथ और कितना ऐड करना है देख के फिर एक नया नोआ ले लेंगे। अगर उनके पास रेडीमेड है तो मुझे पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज बनवाने के लिए देखे आएंगे। एक्चुअली घर पे अभी शादी के लायक 3 बच्चे हैं, नेदू, दिया, और कुछ सालों में राज का भी बारी आ जाएगा, तो और उसके कुछ सालों में आर्यन का भी बारी आएगा। हाँ, इतना दूर का अभी तक एक्चुअली नहीं सोच रही हूँ तो इसलिए मेरे हिस्से का जो सारे चीजें हैं वो मैं पहले से बनवा के रख रही हूँ। शादी के टाइम पे इतना खर्च नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस टाइम में साड़ी, हम सब का आउटफिट्स, आने जाने का टिकट्स, जाने के बाद और कितना खर्च, और गिफ्ट तो है ही, तो ये सारी चीजें एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए पहले से मेरा वाला जो चीजें वो समेट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ नुआ का डिजाइन। पहुंच गए हैं हम ज्वेलरी शॉप। तो नोआ बादानो ये भी एक डिजाइन है, पर ये डिजाइन ना
वैसे तो अच्छा है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये मुझे कुछ बचकाना लग रही है कि ये बच्चे लोग जब ड्राइंग करते हैं तो कुछ आसमान इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये वाला डिजाइन के बदले में यहाँ पे अगर मोर या तो फूल या तो एक लीफ भी अगर होता ना तो अच्छा लगता, अदरवाइज ये बहुत ही बड़ा और चौड़ा दिख रहा है। जब भी मैं हाथ में पहनूंगी तो हाथ को अच्छे से कवर भी कर सकती है। अब अभी ये वाला डिजाइन देखिए, ये मैं एक्चुअली लेने वाली हूँ, पर ये है डेढ़ पैच, यानी कि 1.5 राउंड है इसका, पर मुझे चाहिए आड़ाई पैच का, यानी कि 2.5 राउंड का। तो इसमें जो नया और एक पैच आएगा, मतलब और एक राउंड आएगा, तो उसमें और एक लीफ एक्स्ट्रा आएगा। बीच में फ्लावर का डिजाइन, एक साइड में एक लीफ और दूसरी साइड में सेम और एक लीफ आएगा, जो कि दूसरी तरफ इसको टर्न रहेगा। तो ये डिजाइन मैं कस्टमाइज करने के लिए दे रही हूँ। तो हो गया हमारा ऑर्डर करना, एक्चुअली वही इशू कि मेरे हाथ का कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए हमने भी ऑर्डर कर लिया है। और एक ही साथ शायद तीन दे देंगे, आई होप कि जिस दिन तीनों चीज एक साथ मिलेगा अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, मिथुन को थोड़ा दुख होगा, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। तो जस्ट अभी अभी हम लौटे और अभी बनेगा लंच। एक्चुअली मैं दाल और राइस बना के गई थी एंड आलू गोभी के लिए आलू और गोभी दो बॉईल करके गई थी, तो अभी थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा कि मैं आराम से कुछ मिनटों के अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर पाऊंगी और हम लोग लंच कर पाएंगे। अगर कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मिथुन का सबसे जल्दी इस बात भी रहती है कि चलो हो आते हैं, जब जाना ही है तो चलो पहले हो आते हैं। तो मैंने बोला थोड़ा सा लंच का कुछ बंदोबस्त कर लूं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से आने के बाद ना मुझे शुरू से सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तब थोड़े टाइम के लिए हो जाए तो वो सारी चीजें ठीक है, पर पूरे चीजें मतलब दाल कॉफी राइस आलू गोभी सब कुछ एक साथ मैं नहीं बना पाऊंगी, मेरा इतना पेशेंस नहीं रहेगा और साथ में भूख भी तो लग जाती है ना, और गॉलस्टोन ऑपरेशन के बाद ना मैं ज्यादा टाइम तक भूखी नहीं रह सकती, मुझे वॉमिटिंग, अभी जैसे कि मुझे वॉमिटिंग फीलिंग्स आ रहा है, इस टाइम में मुझे खाना चाहिए, इसलिए भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अभी झटपट सा आलू गोभी बना लेते हैं और आज ग्रेवी नहीं पर थोड़ा सा सूखा सब्जी बनाऊंगी जो कि दाल के साथ बहुत अच्छा लगेगा। जिंजर गार्लिक अनियन सारी चीजें दूंगी और साथ में टमाटर भी दूंगी ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, एंड शुगर तो मेरा मस्ट है तो वो तो दूंगी। तो आलू गोभी के साथ ना एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैं ट्राई करती रहती हूँ, कभी कभार रस्ते वाली सब्जी, कभी कभार सूखा, कभी कभार फ्राई, पर आलू और गोभी का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे तो वेज में से सबसे मस्त लगता है। पर जो लोग वेज बहुत पसंद करते हैं या मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि नॉन वेज भी खाते हैं, उनको भी पनीर बहुत अच्छा लगता है। पनीर के कितने सारे रेसिपीज बनाते हैं, पर हमारे घर पे ना पनीर कोई नहीं खाना चाहता, इवन मुझे भी पनीर पसंद नहीं है, पर आर्यन को अगर पनीर का वो पनीर टिक्का या तो तंदूरी पनीर ऐसे अगर खिलाया जाए तो उसे अच्छा लगता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। पर पनीर का जो सब्जी होता है, मेन कड़ी वगैरह होता है, वो हम में से कोई भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए आप बनते हुए भी बहुत कम देखोगे हमारे घर पे पनीर। पनीर पराठा वैसे हम लोगों का बहुत पसंद है, तो जब भी कुछ मतलब वेज खाने का मन करता है ना तो सबसे पहले आलू गोभी की बात मुझे याद आती है। तो इस तरह चल रहा है वाटर प्यूरीफायर का काम, लास्ट 2-3 दिन से यही चल रहा है और यहाँ पे हमारा खाने का इंतजाम किया गया है, क्योंकि हमें भी साथ साथ में लंच करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है यार, सिर्फ दौड़ ही रहा है, लिटरली रेस कर रहे हैं। जो नुआ था ना मेरा, पता है उसमें कितना गोल निकला है, इतना बड़ा इतना मोटा, मैंने तो सोचा कितना दिन कितना गोल निकल जाएगा इसमें से, ओनली 8 grams ओनली 8 grams निकला है उसमें से, और अभी जो मैं बनवाने के लिए दिया है उसके लिए चाहिए हमें 20 grams, मतलब इंक्लूडिंग वो पहले वाला सोना 20 grams, तो बाकी का लेना पड़ा, बट ठीक है ब्रेसलेट का काम हो जाएगा। एक्चुअली वो बिल्कुल ब्रेसलेट जैसा दिखेगा, जो डिजाइन आपने देखा ना जो फ्लावर और लीफ का वो वाला डिजाइन दिया है, पर वो अच्छा था देर पैच, यानी कि 1.5 राउंड, और मैंने दिया है आड़ाई पैच 2.5 राउंड, और उसमें एक लीफ और 4 फूल थे, और यहाँ पे होगा बीच में 4 फूल, यहाँ पे एक लीफ जो उनके डिजाइन में था, और इस साइड में और एक लीफ आएगा, तो जिसके कारण और एक राउंड ज्यादा हुआ और एक लीफ
ज़्यादा हुआ और लीफ में बहुत ज़्यादा मतलब मोटा था लीफ, तो इसके लिए इतना गोल्ड लगा। तो ब्रेसलेट का काम एकदम से हो जाएगा, जब आप पहनोगे तो लगेगा नहीं कि ये नोआ है, वो ब्रेसलेट जैसा दिखेगा एकदम से। एंड उसमें कोई मीनाकारी नहीं था, मगर मैंने थोड़ा सा मीनाकारी दिया है, क्योंकि मीनाकारी अगर ना हो ना तो वो चीज़ खिलता नहीं है। तो जस्ट छोटे छोटे कुछ बूंदे मीना का होगा, रेड और फ्लावर के बीच में एक एक छोटे छोटे बॉल होगा जो कि मीनाकारी में होगा, और लीफ में एक जस्ट एक स्टिक होगा ग्रीन कलर का। दैट्स इट। लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूँ, जो लोग गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट भी रखने चाहते हैं, वो लोग मीनाकारी मत कीजिए, लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। पर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर मेरे लिए ये ज्वेलरी है। तो उसमें मीनाकारी हो या ना, हाँ लेना नहीं चाहिए, पर ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। पपीता खाओगे? नहीं, पपीता सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा चीज मेरे लिए। दरअसल चीजें मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनमें से एक का नाम है लालू, कल उसका एक्सीडेंट हो गया था, पूरे पैर में खरोच, यहाँ पे खरोच। तो अपोजिट में जो एक मेडिकल स्टोर है वहाँ के लोग उसे पट्टी कर दिया गया। तो आज सुबह जब गई थी, सुबह बिस्किट थोड़ा सा खाना खिलाने जाती हूँ, राइस नहीं, राइस ये रात को खिलाती हूँ, तब देख रही उसका वो हालत है, बेचारा चल नहीं पा रहा है ठीक से, तो उसे देखने जा रही हूँ और बिस्किट लेके जा रही हूँ साथ में। बाबू, ओ बाबा, ओली बावली बावली, भगवान तातरी ठीक कर दो हमारे लालू के, तातरी ठीक कर दो हमारे लालूटा के। देखा, दर्द के टाइम में कोई भी हो, अगर थोड़ा सा उसे ऐसे प्यार मिले, ये मिले ना, तो अच्छा लगता है। बाबा, ব্যথা ব্যথা একটু কমেছে কমেছে মাম্মা, इस पैर में खरोच आ गया, सामने का जो पैर है वहाँ पे, वो देखिए। बाबा, ओ बाबू, चलो एक तो बिस्किट खाइए, दाओगे एक तो जो खाक ना। तो শোনো, তোমরা তো ওকে একটু টেক কেয়ার করবে, হ্যাঁ, লাফালাফি করো না, তোমরা ওকে টেক কেয়ার করো, তোমার বন্ধু না। কি আর খাচ্ছে না, আমার হাতে খেয়েছে বেশ কিছু বিস্কিট, ঠিক আছে, দরকার নেই, আর খেতে ইচ্ছে করছে, রাতে আমার ভাত খাবে, একটু রেস্ট করতে ছেড়ে দাও। সোমালি ভিয়া ভি রেডি হো গই হ্যায় সিসিডি জানে কে লিয়ে। আরে উধর কাহাঁ জা রহি হো, কাহাঁ জা রহি হো, দিখানে দো তুমে পুরা, রাত হো রহি হ্যায়, দেখনা হ্যায় তো সব কুছ দেখো। तो हमने वाटर प्यूरिफायर चेंज किए हैं, ये एक्चुअली खराब नहीं हुआ है, पर इसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है, जिसका जितना इसका प्राइस है उससे भी ज़्यादा ईयरली इसका मेंटेनेंस है। तो मैंने बोला क्यों ना हम इसे चेंज कर दें, क्योंकि इतना खर्च कौन करेगा। ईयरली नहीं है इसका, ये केंट का है, इसका प्राइस है आपका 19,000 रुपीज इसका प्राइस है, और इसका 3 ईयर्स मेंटेनेंस का है 21,000 समथिंग, और ऊपर से वो टैप का अलग, तो सब मिला के अच्छा खासा, तो इसलिए हमने चेंज कर दिया, ये रहेगा बाद में देखा जाएगा। तो जबकि हमने चेंज किया है तो इस एरिया को ना मतलब देखने का लायक था, इतना खराब हो रखा था, और ऊपर से कॉकरोच का पॉटी पूरी जगह पे, ये डिटेल में बताना जरूरी है क्या? हाँ, तो वो तो ज्यादा तकलीफ दिया ना मुझे, और क्या करें, जब इतना बड़ा एक सामान जब इसके अंदर रहता है तो इसके अंदर से क्लीन करना सच बोलूं तो पॉसिबल नहीं है। अभी थोड़ा तो जगह अच्छा लग रहा है, अभी जगह अच्छा लग रहा है, अभी मैंने अच्छे से क्लीन किया, ये दो पैकेट से इसे ड्राई डस्टबिन के लिए भी लगा दिया है, और देखो अभी कितना स्पेस बच गया है। यहाँ पे बस एक ही पूरा यूनिट है, और वहां पे 2 यूनिट थे, वो 2 यूनिट हमें लगाना पड़ा, ये जगह बिल्कुल कवर हो गया था। तो अभी हम इसे अंदर भी डाल सकते हैं, बाहर क्यों डालें, अंदर ही रख दो, दोनों ही आ जाएगा अंदर, इस तरह से काफी जगह हो गया, काफी जगह हो गया है, और अच्छे से क्लीन किया इसके अंदर, सारे गंदगी हटा दिए, और अभी मैं रेगुलरली क्लीन कर पाऊंगी, क्योंकि स्पेस अच्छा खासा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। मिथुन को बस मैंने एक काम बोला था कि मिथुन
ये इतना भारी है, इसे मैं स्टोर रूम में नहीं रख पाऊंगी, तुम थोड़ा रख दो, मैं पूरा क्लीन कर दिया। अभी तक उनको टाइम ही नहीं मिला कि आज तुम्हारा संडे है, वैसे आज संडे है। हाँ? तुम्हारा ये काम करने में जितना कष्ट होता है उससे कई ज्यादा कष्ट होता है उसको। तो एक्सपेंस भी हो जाता ना, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो जाता। अच्छा, इससे पानी नहीं भरा ना अभी तक? ए मां, আমি তো জল ভরে নিলাম, আমি এটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম যে 3-4 liter নিকাল কে উসকে বাদ তাহলে এখন খাবো কি? খাওয়ার জল তো নেই। আবি 2 মিনিট মে হো জায়েগা না। हाँ तो पहुँचे, पर यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रहा था, तो ये थार यहाँ से हट रहा है, तो यहाँ पे शायद मिथुन पार्क कर पाएगा कार। यस, स्पेस एक्चुअली इतना कम है ना कि एकदम बराबर हो गया, दोनों साइड में कार अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा डोर ओपन करने में, पर क्या करें इस टाइम में। आज ऊपर से संडे है, सब डिनर के लिए आए हैं, या ये बिल्कुल फूड जॉइंट है। आज शायद फुल मून है। हाँ लग रहा है, या तो फुल मून है या एक दिन आगे या एक दिन पीछे, कल भी हो सकता है। और ये स्टार्टिंग भी हो सकता था। हाँ बट बहुत अच्छा दिख रहा है, 5 में थोड़ा सा दिखेगा, इससे भी बड़ा कर सकते हैं क्या? 5 से बड़ा और भी। लोगों ने आज से पहले तुम्हारे वीडियो से पहले फोन देखा है, कोई इश्यू नहीं है कि वो आना ही होगा। नहीं ऐसा नहीं है, मैं मून को अच्छे से दिखा रहा हूँ। अच्छा, वाटरमेलन लेमोनेड ठीक, कॉफी नहीं, मुझे नहीं पीना कॉफी, तो मुझसे शेयर लेंगे। मैं एक प्यार बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है, पैसा बचता है, वही बढ़ता है। अच्छा, बचने से बढ़ता है। तो एक मैं लूंगी, या तो वाटरमेलन लेमोनेड बहुत अच्छे बनाते हैं, पर हमेशा मुझे एक ही ग्लास मंगवाते हैं। अच्छा, वो लेमोनेड है या मोहितो है? हाँ, मोहितो, यस, क्योंकि लेमोनेड तो सिर्फ लेमन का ही होता है। सोडा की क्या लेकिन नहीं, उसमें वाटरमेलन जूस ऐड करने से वाटरमेलन लेमोनेड हो सकता है। तो वाटरमेलन मोहितो सिसरी भी बहुत अच्छा, और बेरी वाला भी बहुत अच्छा बनाते हैं, पर वाटरमेलन और क्यूकम्बर भी बहुत अच्छे बनाते हैं। आप रिफ्रेशमेंट की सबसे ये सारी चीज़ें ले सकते हो, पर मेरा फेवरेट है वाटरमेलन, ग्रीन एप्पल मोहितो, क्योंकि कुछ और नहीं था। ये भी अच्छा होता है, ये बेरी भी था, बेरी था, पर बेरी तो मैंने नहीं लिया, मैंने ये लिया तो इसका नाम बोला मैंने। हाँ, ग्रीन एप्पल। मॉर्निंग, तो आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। तो अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, और आज बहुत दिनों बाद ब्रेकफास्ट में बन रहा है पूरी एंड आलू की सब्जी। बहुत दिनों से मेरा खाने का मन था पर हो नहीं रहा था, और ब्रेकफास्ट तो सुबह सुबह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लंच की तैयारी मेरा शुरू हो जाता है, ब्रेकफास्ट कब करूं, और इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं रहता ब्रेकफास्ट का किसी का, पर आज मेरा पूरी और आलू की सब्जी खाने का बहुत क्रेज है। आलू मैंने एक्चुअली बॉयल करने के लिए दिया था, और यहाँ पर दो टाइप के आलू थे, दो क्वालिटीज के आलू थे, तो एक तो बिल्कुल गल चुका है ये बड़ा वाला, और छोटा वाला जो ये पीसेस है, मतलब ये जो आलू है ये अंदर से टेंडर है पर इसका शेप बराबर है एकदम से। तो मेरे कुछ नॉन बंगाली फ्रेंड्स हैं जो लोग ना आलू की सब्जी हमारे तरह बिल्कुल पीसेस में कट करके नहीं बनाते, वो लोग आलू बॉईल करते कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे पकड़ के कढ़ाई में मसाला वसाला जो सारी चीजें डालना होता है वो लोग डाल देते हैं, एंड देन ऐसे कढ़ाई में आलू भी ऐसे डाल देते हैं, पीसेस में कट करके नहीं, ऐसे तोड़ के। तो आज भी मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसे तोड़ के क्यों ना डाल दे, क्योंकि पीसेस में कट करना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, ये तो वैसे ही टूट गया है उबर खबर एक मतलब अजीबोगरीब शेप में, तो क्यों ना हम इसे ऐसे तोड़ के डाल देते हैं। तो चलिए, आज बहुत दिनों बाद घर पे बनेगा डिलीशियस ब्रेकफास्ट, डिलीशियस लंच हमेशा बनता है,
डिनर तो चल बनना बंद हो चुका है, पर डिलीशियस ब्रेकफास्ट तो हम खा ही सकते हैं। और विंटर सीजन है, खाने का बहाना चाहिए, बिना बहाने के भी हम खा सकते हैं। विंटर सीजन है, खाने का सीजन है ये। आज तक बहुत ही कम लोगों को सुना है जिनको समर सीजन पसंद है, आज इनको समर पसंद है। उसका रीजन उसके सुनने के बाद मैंने नहीं पूछा कि तुझे क्यों पसंद है। उसे समर पसंद है, उसे इतना ठंड पसंद नहीं है, बारिश तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल उल्टा, मुझे विंटर बहुत पसंद है, बारिश तो और भी ज्यादा पसंद है। विंटर पसंद आने के पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो वो स्वेट स्वेट वाला चीज मुझे अच्छा नहीं लगता, और बिना फैन के बिना ऐसे के भी हम रह सकते हो आराम से, कहीं पर घूमने जाओ, आप अच्छे से तैयार हो, मेकअप करो, कोई स्वेट नहीं होगा, कुछ भी स्वेट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, कपड़े पहन के खा के हर एक चीज में आप कंफर्टेबल फील करोगे, गुड फीलिंग्स के साथ हर एक चीज कर पाओगे। पर समर में वो नहीं होता। पर हाँ, समर का एक चीज मुझे मानना पड़ेगा बहुत अच्छा है, वो है समर आउटफिट कलेक्शन, फ्लोरल प्रिंट, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। एनीवे, हर एक सीजन का अपना ही एक खूबसूरती है, नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है, फिर भी हम अलग अलग पर्सन का अलग अलग चॉइस होता है। पर नेचुरली जो भी चीजें होता है, नेचुरल हर एक चीज बहुत खूबसूरत होता है। तो चलिए अभी हम लोग खूबसूरत पूरी बना लेते हैं। पता है एक चीज मैंने सीखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक बहुत अच्छा फूडी ही एक बहुत अच्छा शेफ या तो कुक बन सकता है, क्योंकि जब तक आपका खुद का खाने का मन नहीं करेगा तब तक आप वो खाने के लिए जो पैशन है वो आपके अंदर ही नहीं आएगा। इसे फुलाने के चक्कर में बिल्कुल जल गया, पता नहीं क्यों फर्स्ट पूरी जो होता है ना वो मेरा कभी नहीं फूलता। Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone, could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming. और इनका स्कूल छुट्टी है तो उसका टीचर आया है, तो ट्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर लेगा। मिष्टी चाय बहुत जरूरी है, मीठी मीठी चाय। तुम्हें बिस्किट चाहिए? आई होप कि नहीं। थैंक यू। चाय के साथ हमेशा बिस्किट उनको चाहिए चाहिए, और बहुत मीठा वाला बिस्किट, वो वैसे ही जो सिंपल बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं जो कि हम खा सकते हैं। चीयर्स। पर इनको चाहिए एकदम मीठी वाला, मतलब मीठी मीठी बिस्किट जो कि बच्चों को पसंद है, या नर्सरी में बच्चे जब टिफिन में लेके जाते हैं दो बिस्किट दे दो ना मम्मा। दिल तो बच्चा है जी, पर सच्चा है जी। विंटर का यही मजा है कि आप स्वेटर भी पहनो, आप बाहर ठंड के मतलब हवा में आके भी बैठो, और हाथ में गर्म गर्म चाय जरूर होना चाहिए, वो भी अदरक डाल के। घर पे अगर शादी होती है तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना खुशी मिलती है जब दोस्तों के वहाँ पे या कहीं दूर के रिश्तेदार या कोई जान पहचान में शादी होती है, तो बस एक दिन आप एंजॉय करो। पर घर पे जिस दिन शादी होती है, मतलब रिलेटिव्स का जब शादी होती है, तो एक हफ्ते पहले से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं हमारे घर पे किसका शादी पहले होगा, लड़की का या लड़की का, पर एक चीज़ तो है, जिस दिन हमारे घर पे फंक्शन होगा, जैसे कि अगर लड़का मतलब निधु का पहले होता है तो सेकेंड डे हमारे यहाँ पे रिसेप्शन होगा, और अगर घर पे लड़की का शादी होती है तो पहले दिन हमारे घर पे होगा फंक्शन, मतलब शादी वाला फंक्शन, और रिसेप्शन होगा दूसरे वहाँ पे। तो जिस दिन हमारे यहाँ पे मतलब हमारे घर पे जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन सारा गोल्ड ज्वेलरी पहनूंगी, और जिस दिन होगा दूसरे के घर पे फंक्शन मतलब हमें जाना पड़ेगा उस दिन श्रीहोड़ी, एक भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनूंगी। बहुत मेहनत से बनाए गए इतने सालों बाद सारे गोल्ड ज्वेलरी, सारे लाइफ को सेट किया, घर बना, कार बना, देन आर्यन का आर्यन के हायर स्टडी के लिए सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह, अब जाके मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं खुद के लिए,
मैं पहले से अगर चाहती तो मैं गोल्ड ज्वेलरी अभी तक के कितने सारे बना सकती थी, पर नहीं, मुझे अपने खुद तैयार होके खुद अपने लिए इतना महंगा महंगा चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फैमिली, पूरा घर बार पूरा लाइफ सेट होना चाहिए, उसके बाद ठीक है ज्वेलरी हो तो भी चलेगा, अगर ना हो तब भी चलेगा। अभी तक मेरा लाइफ चल नहीं रहा था, आराम से चल रहा था, तो अभी बना रही हूँ, ठीक है खुशी तो मिल रही है, पर ठीक है। तो इतना मेहनत से बनाया गया चीज़ें, कुछ उसके साथ कुछ हो ये मैं नहीं चाहती, और आजकल कोई भी चीज़ का भरोसा नहीं है। तो इसलिए जिस दिन शादी हमारे घर पे होगा, जिस दिन भी हो शादी, जिसका भी हो शादी, पर घर पे जिस दिन होगा उस दिन मैं सारे गोल्ड ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, और जिस दिन बाहर दूसरों के घर पे फंक्शन होगा उस दिन मैं पहनने वाली हूँ सारे अमेज़न का ज्वेलरी या तो श्रीहोड़ी। मतलब श्रीहोड़ी का जो चीज़ें हैं ना, वो ना आप गोल्ड के साथ एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, आपको अगर ना बोलूँ तो आप, मैं एक नेकलेस पहनती हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गोल्ड है कि ये फेक है, इतना प्रॉपर डिज़ाइन के साथ बनाया जाता है। पर अभी भी मिलता है कि नहीं श्रीहोड़ी मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत साल पहले एक लिया था, और अभी मिलता है कि नहीं सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता, पर अगर मिलता है तो उसी का लूँगी, या तो कुंदन वगैरह सेट तो है ही अमेज़न का, वो ले लूँगी।